ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रीष्मकालीन जुताई कम लागत में गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने में बेहद सहायक है। इसको अपनाने से जलवायु, मृदा व पर्यावरण प्रदूषण में व्यापक कमी होती है। कीट एवं रोग नियंत्रण की आधुनिक विधि पर बल दिया जाता है। रबी फसलों के कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई आगामी खरीफ फसल के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है। नरेंद्र पाल, जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्य मैं देख रहा हूँ। हाँ, जो इस समय जो गेहूं की कटाई के बाद जो हमारे खेत खाली हैं, तो किसान भाइयों से अनुरोध रहता है, हम लोग खेत खाली रहते हैं और गहरी जुताई करनी है, उथली जुताई नहीं, गहरी जुताई, चाहे सबसॉइलर से करें या कल्टीवेटर, जो कम से कम 1 फीट गहरी जुताई करें उससे जुताई करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, जो हमारे हैवी यंत्र आ गए हैं आजकल, जैसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, उससे क्या, जो उसको हम जब चलाते हैं तो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो जाती है अंदर की, तो जो हार्ड पैन बन जाती है, तो उससे क्या है, एक तो हमारे वाटर का जो रिचार्ज है वो कम हो जाता है, तो और दूसरा जो जड़ों का विकास भी हमारा कम होता है, तो फसलों में लॉजिक ज़्यादा होती है और पर्यावरण को नुकसान भी होता है, पानी को भी, मतलब ज़मीन में वाटर स्तर नीचे जाता। तो इसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, एक तो जो हानिकारक कीट रोग होते हैं, उनके अंडे होते हैं, वो ज़मीन पे आ जाते हैं सतह पे, और गर्मी अच्छी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी में वायु का संचार हो जाता है अच्छे से, और जब उसकी जो हार्ड पैन टूट जाती है, तो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन भी अच्छी तरीके से खेतों में हो जाता है। और इसमें जब हम जुताई कर देते हैं, तो अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, तो जो आपके बीट वगैरह होते हैं, उनके जो सीड हैं, वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं, तो जब दूसरी हम फसल खरीफ की लगाते हैं, तो उसमें उनका जमाव नहीं होता। तो हमारे इसमें मतलब एक तो ये हुआ, हमारे खरपतवार कम हो जाते हैं, और जो कीट रोग बीमारियां वो फसलों में कम रखते हैं, और जो खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी होती है। इसमें गहरी जुताई करना चाहिए।